प्रदेश में दूसरे चरण के तहत होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रत्याशियों के चेहरे साफ हो गए। सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन रहा। इस दौरान जयपुर शहर से 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, माफ कीजिएगा, नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 24 प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला है। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। ग्रामीण सीट पर अब 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग की ओर से अब प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। जयपुर ग्रामीण से 11 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए थे, मुझे उनकी संज्ञान नहीं है। कुल 3 लोगों ने संभवतः अपने नाम वापस लिए हैं, तो 8 प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण 06 में होंगे। नाम वापसी के पश्चात 3 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप किया गया। सभी प्रत्याशियों को जो राष्ट्रीय दल हैं उनको जो आरक्षित चुनाव चिन्ह है वो दे दिए गए, और पंजीकृत राष्ट्रीय गैर राष्ट्रीय पंजीकृत जितने भी दल थे जो मान्यता प्राप्त हों या ना हों उनके लिए उनकी प्रथम वरीयता के सभी को चुनाव चिन्ह दे दिए गए, और निर्दलीय प्रत्याशियों को सभी को उनकी प्रथम वरीयता के जो उनके मनपसंद चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं। इस प्रकार 24 जो प्रत्याशी शेष बचे हैं उनको सभी को उनका